सब आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अदल्स किचन में आपका वेलकम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमने अदल्स किचन में बनाएंगे कलेजी का सालन। इतना ही मज़ेदार इजी और सिंपल रेसिपी है, चटपटी और मसालेदार, जो मैं आपसे साथ आज अपने घर की और अम्मी की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो चलें जल्दी से नोट करते हैं सब चीज़ें और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं अदल्स किचन में मसालेदार चटपटी सी कलेजी का सालन। तो कलेजी का सालन बनाने के लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए जल्दी से हम नोट कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg कलेजी है, जिसको मैंने 2 चम्मच दही डाल के ना इनको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया हुआ है। उसके बाद हमें चाहिए 2 टेबल स्पून की प्याज और 1 गड्डी लहसुन की, 2 अदरक टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च और ड्राई मसाले में हमारे पास है 1/2 टीस्पून हल्दी का है, 1 खाने का चम्मच लाल कुटी मिर्च है, 1 खाने का चम्मच नमक है, साबुत गर्म मसाले में जीरा है, दालचीनी है और 2 अदरक लौंग है, खुश्क धनिया साबुत जाएगा 2 खाने के चम्मच, मेथी 1 खाने का चम्मच और 1 लेमन है। उसके बाद आ गया 1/2 कप दूध जाएगा और 1 प्याली दही की, फर्स्ट पे जरूरत ऑयल है। और चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चले जी पैन में सबसे पहले हम कलेजी को डालते हैं, साथ ही इसमें हमने डाल देना 2 अदरक प्याज और 1 गड्डी लहसुन की। नमक, लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत और हल्दी। दालचीनी का टुकड़ा और 2 दालचीनी के टुकड़े या 2 लौंग हैं ये मैं साथ ही शामिल कर देती हूँ। और 1 कप के करीब ना पानी डाल के ना इसको तकरीबन ना हमने ना 1/2 घंटे के लिए रख देते हैं हल्की आंच पे, इसी में ये पकेगा और इसी में ही कलेजी हमारी गल जाएगी। उसके बाद फिर हाँ इसकी भुनाई होगी, तकरीबन 1/2 कप मैंने पानी डाला है, दही ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ जो मैंने मैरिनेट करने के लिए बीच में डाला था। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। ये देखें जी तकरीबन ना 40 मिनट हमने पकाया है इसको, इसका पानी भी ख़त्म हो गया और कलेजी भी हमारी ना गल गई है, ठीक हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल। तो करते हैं इसकी अच्छे से बनाई। तो उसके लिए ना जो मैंने टमाटर, ये देखें 2 अदरक टमाटर, हरी मिर्च और जो दही ली थी ना, इन तीनों चीज़ों को हम लेते हैं उनका पेस्ट बना लेते हैं। अब ये वाला पेस्ट जाएगा कलेजी के अंदर। घी डाला है मैंने इसको हल्की आंच पर रखते हैं पकने के लिए और दूसरी तरफ मैंने वो मसाला ग्राइंड करती हूँ। 2 अदरक टमाटर, 4-5 हरी मिर्च और 1/2 प्याली दही। ये देखें जी टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट रेडी हो गया। अब हम इसी पेस्ट को ना डाल देंगे वापस उसी कलेजी में। तो इस मसाले के साथ हम कलेजी की करेंगे भुनाई। और ये इतनी भुनाई होगी कि कलेजी की स्मेल भी चली जाए और दही और टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए। जब तक ये पानी खुश्क नहीं होगा तब तक हम इसकी अच्छे से भुनाई करते रहेंगे, ठीक है। देखें जी अच्छे से इसकी बुनाई कर रहे हैं, हल्का हल्का घी ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम ना इस पॉइंट पे डाल देंगे इसमें ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा था और ये 2 बड़े खाने के चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर। अब हम इसको ना भुनेंगे मसालों के साथ। ये जो मैंने 1/2 कप दूध रखा हुआ था ना ये इसमें डालेंगे,
इससे तो बिल्कुल ही ना कलेजी की जो स्मेल होती है ना, बच्चे नहीं पसंद करते कि भाई मामा इसमें स्मेल आ रही है। तो इस दूध से ये है कि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब ये दूध का पानी खुश्क होने तक ना अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसके लिए 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो लास्ट में फिर हम इसमें डाल दिए मेथी और हमारी कलेजी हो जाएगी रेडी। तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन मानिए बिल्कुल भी कोई भी स्मेल नहीं होगी और मसालेदार इतनी अच्छी है, मज़ेदार बनेगी कि सब पसंद करेंगे। पाँच मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए जी, दूध हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया। इसमें जो हमने डाला था बिल्कुल स्मेल अब इसकी चली गई है और अच्छे से ये भुन गया। देखिए घी भी ऊपर आ गया। तो अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में ना कसूरी मेथी 2 चम्मच। जो ये देखिए कसूरी मेथी के लिए थे ना, इसको हाथ से क्रश करके ना थोड़ा सा मसल के हम इसको डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू साथ ही आना शुरू हो गई है मेथी से। ऊपर का ऊपर से हम एक लेमन का ना रस, इस पर ना एक लेमन का रस डाल देंगे। थोड़ी सी चटपटी होगी तो मज़ा तो आएगा ना खाने का। इस टाइम ना कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको ना डालते हैं अपनी डिश में। हल्का सा ना ऊपर से गरम मसाला हो, मेरा जो गरम मसाला है ना जिसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी, वो मैंने ना 1/2 टीस्पून इसके ऊपर डाल दिया। तो चलिए फ्लेम करते हैं ऑफ और कलेजी के साथ निकालते अपने डिश में। ऊपर से डाल देंगी बड़ी कटिंग की हुई अदरक और हरी मिर्च। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंग कर दें। तो ये देखें जी, हमारी मसालेदार चटपटी सी कलेजी का सालन रेडी है। जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया है तो आप भी अपने घर में बनाइए और हमें बताइए जरूर। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ खास करके जरूर शेयर किया करें। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया कीजिए क्योंकि उससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो कल मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। आज तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त, हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।